की रफ्तार। आखिर समझते क्या है वो अपने आप को? क्या बीवी सिर्फ दिखावे के लिए होती है? क्या औरत से सिर्फ इसलिए शादी की जाती है कि उसका मर्द जब जी चाहे उसका अपमान करे, अपनी मर्जी से उसे जलील करे, या लोगों को इकट्ठा करके उसे कहे कि देखो मैं इसका मालिक हूं, वो मेरे गुलाम है। निकी, निकी, प्लीज। मैं जाऊंगी, वो जहां कहीं भी होंगे, जिस किसी के पास भी होंगे, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो अपने आप को समझते क्या है। हाथी मरा भी तो 10 लाख का। मधु, मेरी जेब में जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरे बदन पर 5-10 लाख से कम नहीं होगा। लगाओ दूसरा दांव। भैया तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ, तुम अकेली जाओगी? हाँ। नहीं निकी, पागल मत बनो, मैं आता हूँ साथ। नहीं भैया, तुम आओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हो जाने दो निकी, एक न एक दिन तो ये होना ही है ना। नहीं भैया प्लीज। देखो निकी प्लीज, न जाने वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे, मैं वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। भैया आप भी। जस्ट शट अप निकी, मेरी बात मानो, चलो मैं आता हूँ साथ में। ठीक है, तुम विलास को कुछ नहीं कहोगे, वहाँ किसी को कुछ भी नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम है। ओके ठीक है, चलो। अरे विलास बाबू, आप तो 3 लाख और हार गए। तो क्या हुआ? अरे 3 लाख तो मेरी इस अंगूठी में समाये हुए हैं। ये अंगूठी जो मेरी बीवी ने मुझे शादी में दी थी। क्या बात है विलास जी, क्या बात है। आखिर हम लोगों को इतना ऊपर तो उठना ही चाहिए कि हमारे दिल में किसी जज्बात के लिए जगह ही ना रहे। वैसे आज अपनी बीवी की अंगूठी हार कर आप भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। वाह वाह विलास जी, क्या सिचुएशन है। उधर बीवी तो सालगिरह पर अपने पति का इंतजार कर रही होगी और इधर पति चूहे में उसकी अंगूठी हार बैठा। वाह क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन कुछ खास नहीं है। निकिता, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो? क्यों, आप आ सकते हैं तो क्या मैं नहीं आ सकती? शट अप, निकल जाओ यहाँ से। मुझे अपने दोस्तों के सामने नीचा मत दिखाओ। नीचा तो आप अपने आप को दिखा रहे हैं, शादी की सालगिरह पर शादी की अंगूठी दांव पर लगाकर। निकिता बहुत हो चुका, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं आपको लेने आई हूँ। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। निकिता, यह हमारा आपस का मामला है, भूल गए? मैंने आपको कसम दी थी। तुमने कसम दी थी निकी, इसलिए इतनी देर तक चुपचाप रहा, वरना वरना क्या कर लेते? जाने दो विलास, बहुत हो गया, अब तुम घर जाओ। विलास, मधु ठीक कहता है। चलो, कहाँ जाना है? जहन्नुम में? जहन्नुम में नहीं, अपने घर। जिस घर में तुम्हारे जैसी औरत हो वो घर का जहन्नुम से कम है। आओ मधु, चलो खेल खेलते हैं। अरे रहे जा, अब क्या खेलना है? मैंने तो जो खेल खेलना था वो मैं खेल लिया। आखिर ये सब तोड़ने का मतलब क्या है? मैं जो जी चाहेगा
ये सामान मैंने खरीदा है, तुम अपने साथ नहीं लाई हो। मैं चाहूं तो इस घर को आग लगा दूं। तुम्हें उससे मतलब? विलास, नीचे बा और पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें क्या कहेंगे? जो भी कहना है मुझसे ही कहेंगे। तुम तो लाडली हो उनकी, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें ये सब करने में मन की शांति मिलती है तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। और कुछ तोड़ना है आपको, बोलिए। हाँ, तोड़ना है। तुम्हारे साथ रिश्ता, विलास। जी चाचा जी। कल रात तुम कितने बजे आए थे? अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन यही कुछ 12-12.5 बजे होंगे। फिर तो तुम्हें यह भी नहीं याद होगा कि कल तुम्हारी शादी की सालगिरह थी और निकिता और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब वो क्या है चाचा जी कि मैं? देखो विलास, झूठ बोलने के लिए शब्दों को तलाश करना पड़ता है, सच बोलने के लिए नहीं। कल रात तुम निकिता से झगड़ा कर रहे थे? अब वही कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। और उसका जवाब तुम तोड़फोड़ से दे रहे थे? हाँ चाचा जी, आप निकिता को क्यों नहीं समझा? उसको मैं क्या समझाऊं, जब मुझे मालूम है कि मेरा अपना सिक्का खोटा है। देखो विलास, इस उम्र में तुम्हें डांटते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, आइंदा इस घर में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं याद रखूंगा। तुम जा सकते हो। मधु, अगर हम तुम्हें 10 काम देते हैं तो 10 में से 10 काम या तो उल्टे करके आते हो या अधूरे छोड़ के आते हो। मतलब ये कि तुम्हें काम देना अपने आप से दुश्मनी करना है। हुजूर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम नहीं समझोगे जी। डीएम साहब, इन ब्रीफकेसेस में क्या है सर? इनमें तुम्हारे वजन से ज्यादा नोट हैं। रुपए? इतने सारे? हुजूर, मैं तो आपका वफादार सेवक हूं, हमेशा आपके काम आता हूं। इतने सारे रुपयों का आप अकेले क्या करेंगे? मधु, अगर जिंदगी में करोड़ों कमाने हैं तो अपनी आत्मा को अरबों की बनाओ। चंद हजार रुपए देखकर तुम्हारी आत्मा चवन्नी की तरह उछलने लगती है। घबराओ मत, हम मालिक होने का हक अदा करेंगे। धीरज रखो। हुजूर, इनमें से मेरे ब्रीफ केस कितने हैं? सब के सब तुम्हारे हैं जी, खाली होने के बाद जी। सुनिए, इसमें से कुछ लाख मुझे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, प्लीज आप मना मत कीजिए। मेरा भाई, धन तुम्हारा, धन वाला तुम्हारा। फिलहाल ये धन काला है, इसे सफेद करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक सलाह दूं। दो। क्यों ना हम अपना ही एक बैंक खोल लें, उसमें चपरासी से लेकर मैनेजर तक सब हमारे लोग होंगे हुजूर, और अपना ये काला धन वहां घूम घूम कर सफेद हो जाएगा हुजूर। वाह मधुकर, वाह वाह। 6 महीने में तुम जैसा आदमी भी समझदारी की बात कर जाता है। शतरंज हमारी, शतरंज की बिसात हमारी, मोरे हमारे, खेलेगी जनता और जीतेंगे हम। बिल्कुल हुजूर। इस बात पर हम तुम्हारी बची हुई जिंदगी के प्रायोजक बनना चाहते हैं। हुजूर, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आप मुझे अकेले काम करने का मौका दीजिए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बल्कि मैं आपका मजबूत हाथ हूं। पहले अपने मजबूत हाथ होने का सबूत तो दो। अच्छा ये बताओ कि वो विलास राज जो फाइल लाने वाला था, उसका क्या हुआ? हुजूर, मैंने और भाऊ साहब ने मिलकर
उसके पैर में चकरी डाल दी है। अब वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा और बहुत जल्द उस फाइल के साथ खुद आपके कदमों में हाजिर होगा। हुजूर, मंथन, मैं नंदू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आओ मंथन बैठो। थैंक यू सर। कहो क्या बात है? सर, मुझे डीएम के खिलाफ एक सेंसेशनल न्यूज मिली है। सेंसेशनल न्यूज? हाँ सर, डीएम एक बैंक खोलना चाहता है। बैंक खोलना चाहता है? यस सर, उसका ये कहना है कि इस बैंक में सिर्फ उसी के आदमी काम करेंगे और ये बैंक गरीबों और बेरोजगारों को लोन देगी। सर, मुझे तो ये डीएम की कोई नई चाल लगती है। पैसे ऐंठने का नया तरीका है सर, या फिर अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की एक नई साजिश। सर, मासूम लोग इस बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे हिफाजत के लिए और चाबी एक लुटेरे के हाथ में थमा देंगे। सर, तुम्हें यह खबर किसने दी? सर, मुझे नंदू ने बताया। जिस समय ये बातचीत हो रही थी, नंदू वहीं कान लगाकर सुन रहा था। मंथन, डीएम को एक्सपोज करने का ये फर्स्ट क्लास मौका है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। सर, नंदू ने और मैंने एक प्लान बनाया सर, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस प्लान में कामयाब होकर ही रहेंगे। सर, होशियार है ना, डीएम को तुम जानते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है नंदू, आज जल्दी जा रहा है? डीएम हमारा बड़ा काम करने जा रहा है, बैंक खोलने जा रहा है। बैंक बैंक तो एक बहाना है मां, बस उसी के जरिए नए खाते में वो भोली वाली जनता को लूटेगा। एक और चाल मां, जब से ये डीएम पैदा हुआ तब से लेकर आज तक उसकी जन्म कुंडली भी अपने आप को कोसती होगी। देख नंदू, उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल उन्हें इसका फल भुगतना ही है। तो फिर तू बुरा बोलकर अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहा है? माँ, ये सब मन को बहलाने की बातें हैं। अपने आप को देखो, बरसों से तुम मेरे साथ इस छोटे से घर में रह रही हो, और तब से लेकर आज तक वो डीएम महल में है। आज भी बारिश का पानी उसके महल से टकराकर हमारी घर की मिट्टी की दीवारों को गिरा देता है। कुदरत भी पैसों वालों का साथ देती है मां, अमीरों को और अमीर बना देती है और गरीब को गुलाम बना देती है। और तुम फल की बात कर रही हो? बेटे, अब तो अपना खून मत जला। मां, तू खून की बात कर रही है, उस नंदू का क्या होगा जिसके दिल में बचपन से लेकर आज तक हजारों टन कोयला चल रहा है? सज्जनों, जब गरीबों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो पृथ्वी पर पैदा होता है एक मसीहा। वैसा ही एक मसीहा आज हमारे बीच में है। उस मसीहा का नाम है दिव्य मोहन जी। देश की गुलामी उन्होंने देखी नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म आजादी के बाद हुआ था।
आप नहीं मानेंगे, लेकिन गरीबों की हालत देखकर कभी कभी वे रो पड़ते हैं। इसलिए उनकी इस पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुए हमने खोला है एक बैंक, नागरिक कोऑपरेटिव बैंक। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी बैंक के बारे में वे दो शब्द कहें। डीएम साहब, प्यारे बहनों भाइयों, मेरे मेहरबान दोस्त ने आपको यह बताया कि मुझे डीएम कहते हैं। उन्होंने उसका मतलब भी बताया, लेकिन डीएम का एक और अर्थ भी है और वो है दर्दमंद। अगर एक भाई अपने गरीब लाचार भाइयों की मदद करता है और यह बात जग में जाहिर होती है तो उस बात का असर खत्म हो जाता है। उन पर कोई मेहरबानी कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने भाइयों का दुख, उनका दर्द, उनका गम बांटने की कोशिश की है। आपके इस प्यार ने मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आपके दुख दर्द अपने सीने में समेट लूं, और आपने ये विश्वास जो मुझ पर किया है, ये प्यार जो मुझे दिया है, इस पर मैं अपनी वफादारी की मोहर लगाऊं। बस अब मैं यही कहूंगा कि जय हो जनता जनार्दन की। सज्जनों, हमारे नागरिक कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ मजबूर लोगों को लोन दिए हैं। मैं उनका नाम पुकारूंगा। वे यहां आकर डीएम साहब के हाथ से अपना चेक स्वीकार करें। दत्ता, 35,000 का चेक पब्लिक टेलीफोन बूथ के लिए। दत्ता को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका कोई भाई कमजोर है और आप ताकतवर हैं तो उस कमजोर की ताकत आप हैं। यह तो उसका बड़ापन है कि उसे उस बात का एहसास नहीं है। इसलिए हमेशा उसकी मदद कीजिए जो आपसे कमजोर है, क्योंकि उसकी ताकत आप हैं। आप, मैं जानता हूं कि हमारी किसी कमजोरी का पता जनता को नहीं लगना चाहिए, वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। अरे कल जब हमारे जीजा जी वहां सेंटर पर पहुंच जाएंगे ना, तो मेरी प्यारी बहनाई तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनेगी। क्यों? मेरा चीफ मिनिस्टर बनना तो एक सपना है। सपनों के बगैर इंसान जी नहीं सकता बहना। अगर तुम फिक्र नहीं करना, जीजा जी ने कितनों को चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्हें भी बना देंगे। मगर हमारे जीजा जी गए कहाँ? हम गए भी थे और आ भी गए। अरे जीजा जी, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। सो तो है, इन्हें जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हें तो मैं तब से जानता हूँ जब ये इंडियन नेशनल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर थे, और अब हमारे कपूर साहब नागरिक कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हैं।
सब आपकी कृपा से है डीएम साहब। और हम उनकी कृपा से हैं। ये है हमारी पत्नी, हमारी गृह मंत्री हीरा देवी। बसले साहब, कोई भी काम है तो हमें बता दीजिएगा। आज से नागरिक कोऑपरेटिव बैंक आपका ही बैंक समझिए। आपकी सेवा करने के लिए हमारा बैंक 2400 घंटे खुला रहेगा। जानता हूं, वो तो है। अब आप सब लोग जा सकते हैं। सब में आप भी आते हैं कपूर साहब? नागरिक कोऑपरेटिव बैंक आज ही खुला है, हम अभी उसका उद्घाटन करके आ रहे हैं। अब हमारे सारे काम घर बैठे हो जाया करेंगे। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है साले साहब। हमारे फॉरेन का अकाउंट कपूर साहब देखेंगे, फाइनेंस का काम, हुंडियों का काम सब घर बैठे हो जाएगा। कसम जनता जनार्दन।